तो स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो पर। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एमपी बोर्ड के कुछ अधिकारियों की और शिक्षकों की मीटिंग हुई थी, एक बैठक हुई थी, जिसमें कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन 2023 से जुड़ी काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस की जानी थी। जैसे कि 10th और 12th का एग्जामिनेशन खत्म हो गए हैं, तो उनका जो रिजल्ट है वो कब तक अनाउंस किया जाएगा। 5वीं और 8वीं की जो बोर्ड परीक्षा निरस्त हुई थी उनको दोबारा से कब करवाया जाएगा, नया टाइम टेबल कब आएगा। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें सामने आई हैं। अभी तक कोई ऑफिशियल नोटिस तो नहीं आया है, बट यहाँ पर कुछ अपडेट ऐसी आ रही हैं जो कि आपके काफ़ी ज़्यादा काम की हैं, वही अपन इस वीडियो में देखेंगे। पर अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पे खटखटा। अब देखिए, मीटिंग खत्म होने के बाद जो टीचर्स आपकी बोर्ड एग्जामिनेशन की कॉपीज चेक कर रहे हैं उनको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स दिए गए हैं ऊपर से, कि आपको कैसे भी करके कॉपी चेकिंग का काम 8 मई तक खत्म करना पड़ेगा। यानी कि 8 मई तक का टारगेट दिया गया है टीचर्स को। अब देखिए, 8 मई तक के ऑर्डर्स बोर्ड की तरफ से दिए गए हैं, तो आप ये तो मान सकते हैं कि आपका जो रिजल्ट है 2023 का वो मई में ही अनाउंस होगा। अब जो डेट है वो आगे पीछे हो सकती है, वैसे तो एक्सपेक्टेड है कि 15 से 20 मई के बीच में आ जाएगा। ये तो डिपेंड करता है टीचर्स के ऊपर जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन की कॉपी चेक कर रहे हैं। अगर उन्होंने 8 मई तक आपकी पूरी कॉपी चेकिंग का काम खत्म कर दिया तो आपका जो रिजल्ट है वो टाइम पर अनाउंस कर दिया जाएगा। बट अगर वो नहीं कर पाए, क्योंकि ये एमपी बोर्ड है आपको पता ही, और कॉपी चेकिंग का क्या सीन हो रहा है अभी वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, उसको देख के आप खुद ही कहोगे कि कैसे बोर्ड में हम पढ़ाई कर रहे हैं। काफी ज्यादा अभी दिक्कत हो रही है कॉपी चेकिंग में, काम ठीक से नहीं हो पा रहा है। अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। तो वही मैं आपको बता रहा था कि अगर टीचर्स टाइम पर कॉपी चेक नहीं कर पाते हैं तो फिर आपका जो रिजल्ट है वो देरी से आएगा। तो अगर आप भी एमपी बोर्ड एग्जाम्स रिजल्ट 2023 आराम से चेक करना चाहते हैं बिना किसी दिक्कत के, तो आपको आपका प्ले स्टोर ओपन करना है। यहाँ पर आपको सर्च करना है एमपी बोर्ड एग्जाम्स रिजल्ट 2023, नंबर का जो ऐप दिखेगा इसी को आपको डाउनलोड करना है। यहाँ पर आप चाहे तो रेटिंग दे सकते हैं, कुछ भी डिस्क्राइब आप कर सकते हैं। ऐप को आप जैसे ही ओपन करोगे कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर आपको दो ऑप्शन दिखाई देंगे, 10th रिजल्ट और 12th रिजल्ट। तो जैसे ही आपका रिजल्ट अनाउंस होगा आप इस ऐप के थ्रू भी आपका जो रिजल्ट है वो चेक कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको ये ऐप दे रहा हूँ, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। एंड 5वीं और 8वीं की ये अपडेट आई है कि 1-2 दिन में आपका जो न्यू टाइम टेबल है वो जारी कर दिया जाएगा। आपकी जो दो परीक्षा निरस्त हुई थी संस्कृत और गणित की, उनकी आपको नई डेट्स बता दी जाएंगी, वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो सब्सक्राइब करके जरूर से रखिएगा, नोटिफिकेशन आइकन ऑन करके रखिएगा। बाकी आप कमेंट करके जरूर से बताइएगा कि क्या एमपी बोर्ड के टीचर्स आपकी कॉपीज टाइम पर चेक कर पाएंगे।